बड़ी खबर है जहां वाटरफॉल में मिला है युवक का शव। घुरीघार वाटरफॉल में मिला है युवक का शव, कई टुकड़ों में मिला है युवक का शव। दो बोरी और एक प्लास्टिक में टुकड़े मिले हैं शव के। एक महीने से युवक लापता था। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। सोन क्यारी चौकी का मामला। जशपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर वाटरफॉल में युवक का शव मिला है। छुरीघाग वाटरफॉल में युवक का शव मिला, वो भी कई टुकड़ों में। दो बोरी और एक प्लास्टिक बैग में युवक का शव मिला है कई टुकड़ों में। एक महीने से युवक लापता था। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सोन क्यारी चौकी का यह पूरा मामला। तो जशपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया जहां वाटरफॉल में युवक का शव मिला है। छुरीघाट वाटरफॉल में युवक का शव मिला, वो भी कई टुकड़ों में। युवक की लाश मिली है। दो बोरी और एक प्लास्टिक बैग में टुकड़े मिले हैं लाश के। युवक की लाश के कई टुकड़े मिले हैं। एक महीने से युवक लापता था। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। सोन क्यारी चौकी का ये मामला बताया जा रहा है। तो जशपुर में सनसनीखेज वारदात हुई। चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां पर एक युवक का शव मिला है कई टुकड़ों में। इसलिए मामला चौंकाता है क्योंकि युवक की लाश कई टुकड़ों में मिली है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता दीपक, जुड़े हुए हैं फोन पर। दीपक, युवक की लाश मिली है वो भी कई टुकड़ों में, ये चौंकाता है। जी सुमित, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला जो है सोन क्यारी थाना क्षेत्र का है और सोन क्यारी थाना क्षेत्र के छुरीघाग वाटरफॉल है और यहाँ पर एक युवक का जो शव है वो दो बोरों और एक प्लास्टिक में मिला है और इस युवक की पहचान जो है झरगांव निवासी रामचंद्र के रूप में हुई है और 25 तारीख से पिछले 25 तारीख से ये युवक जो है वो लापता और इसकी गुमशुदगी की शिकायत जो है सोन क्यारी चौकी में दर्ज थी। आज सुबह ग्रामीणों को जो है ये छुरीघाग वाटरफॉल के नीचे बोरे में शव पड़ा मिला तो ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची है और उसके बाद युवक की शिनाख्त भी हो गई है। फिलहाल जो परिजन है वो वहां पर पहुंचे हैं और पुलिस जो है इसकी तैयारी कर रही है और पुलिस का कहना है कि जो इस घटना की सारे एंगलों में जांच की जा रही है, बारीकी से जांच की जा रही है कि आखिर जो मृतक था उससे किसकी दुश्मनी थी, क्या वजह हो सकती है जांच की। सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है और पुलिस का कहना है कि पुलिस जल्द ही आरोपी तक पहुंच पाएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर दीपक, जिस तरीके से युवक का शव मिला है कई टुकड़ों में, जैसा की आप बता रहे हैं दो बोरे और एक प्लास्टिक में, इससे कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं। दीपक, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। पेंड्रा से खबर जहां पर नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा गया। 125 किलो गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। जब्त गांजे की कीमत 10 लाख रुपए है। ओडिशा से गांजा रूपपुर ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपी मध्य प्रदेश का निवासी है। एक आरोपी मौके से फरार हो गया। 125 किलो गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए। ओडिशा से गांजा अनूपपुर ले जा रहे थे आरोपी। गिरफ्तार आरोपी मध्य प्रदेश का निवासी है। एक आरोपी मौके से फरार हो गया है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पेंड्रा से बड़ी खबर, नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा गया। 125 किलो गांजे के साथ आरोपी धर दबोचा गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है 125 किलो गांजे के साथ। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार। चुनाव के मोड में भाजपा हमेशा होती है। 7 प्रभारी मध्य प्रदेश में चुनाव के बन गए हैं। कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित करेंगे आप? मुझे नहीं लगता है कि ये कोई कंफ्यूजन है और या कोई कॉन्ट्रडिक्शन। दिग्विजय सिंह लगातार उन सीटों पर दौरे कर रहे हैं जहां पर वो सीटें हारे थे। उनकी दौरा जहां जहां होता है वहां भाजपा को फायदा होता है। कांग्रेस कह रही है कि इस बार हमारी सरकार बने। कांग्रेस केवल माइंड गेम खेल रही है। सिंधिया जी के समर्थकों को आपने कहा था कि विभीषण थे वो हमारे साथ आ गए इसलिए हमको फायदा हो गया। वो क्यों आए?
धर्म यहाँ है मानकर आए। भाजपा में बहुत सारे हिस्से हो गए हैं, नाराज भाजपा भी हमारा है, शिवराज भाजपा भी हमारा है, महाराज भाजपा भी हमारा है। अब की बार 200 पार सुनामी, भाजपा सुनामी। सीएम का चेहरा घोषित करेंगे? वर्तमान में भी कोई समस्या नहीं है और भविष्य में हमारे पास मुख्यमंत्री की कोई कमी नहीं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। सिंधिया के गढ़ ग्वालियर पहुंची प्रियंका गांधी, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर किया नमन, कांग्रेस की रैली को भी किया संबोधन। प्रियंका गांधी की रैली पर बोले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता में है आक्रोश, 2023-24 के चुनाव में जनता देखी कांग्रेस का साथ। प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना, कहा पिछली बार सिंधिया के नाम पर मांगे वोट कमलनाथ को बना दिया मुख्यमंत्री, कर्नाटक में जैन संत की निर्मम हत्या पर चुप क्यों है कांग्रेस। पूर्व विधायक ममता मीणा ने जिम अध्यक्ष को दी धमकी, पद से हटाने का 10 दिन का दिया अल्टीमेटम, धमकी भरा वीडियो हो रहा वायरल। नरसिंहपुर को सीएम शिवराज ने करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात, लाडली बहनों से किया संवाद, कहा आपकी जिंदगी बदलने में नहीं छोड़ूंगा कोई कसर, रोड शो में उमड़ी जबरदस्त भीड़। सिंधिया के गढ़ ग्वालियर पहुंची प्रियंका गांधी, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर किया नमन, कांग्रेस की रैली को भी किया संबोधन। प्रियंका गांधी की रैली पर बोले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता में है आक्रोश, 2023-24 के चुनाव में जनता देखी कांग्रेस का साथ। प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना, कहा पिछली बार सिंधिया के नाम पर मांगे वोट कमलनाथ को बना दिया मुख्यमंत्री, कर्नाटक में जैन संत की निर्मम हत्या पर चुप क्यों है कांग्रेस। पूर्व विधायक ममता मीणा ने जिम अध्यक्ष को दी धमकी, पद से हटाने का 10 दिन का दिया अल्टीमेटम, धमकी भरा वीडियो हो रहा वायरल। नरसिंहपुर को सीएम शिवराज ने करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात, लाडली बहनों से किया संवाद, कहा आपकी जिंदगी बदलने में नहीं छोड़ूंगा कोई कसर, रोड शो में उमड़ी जबरदस्त भीड़। सिंधिया के गढ़ ग्वालियर पहुंची प्रियंका गांधी, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर किया नमन, कांग्रेस की रैली को भी किया संबोधन। प्रियंका गांधी की रैली पर बोले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता में है आक्रोश, 2023-24 के चुनाव में जनता देखी कांग्रेस का साथ। प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना, कहा पिछली बार सिंधिया के नाम पर मांगे वोट कमलनाथ को बना दिया मुख्यमंत्री, कर्नाटक में जैन संत की निर्मम हत्या पर चुप क्यों है कांग्रेस। पूर्व विधायक ममता मीणा ने जिम अध्यक्ष को दी धमकी, पद से हटाने का 10 दिन का दिया अल्टीमेटम, धमकी भरा वीडियो हो रहा वायरल। नरसिंहपुर को सीएम शिवराज ने करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात, लाडली बहनों से किया संवाद, कहा आपकी जिंदगी